पिछे पिछे तुर दिया फेम अजकल आउंदा है सतारा विच नेम अजकल। देख रहे हो गाइस, ओ सुबह का सो ही रहा हूं, कहीं भी नहीं गया मैं। जब इंसान बीमार होता है तो फिर वो कहीं भी नहीं जा सकता, समझ रहे हो। दवाई खा के बस सुबह के सो ही रहा था। कल सुबह निकलूँगा अपने घर वाली तरफ, क्योंकि कल मंदिर भी जाना है, लास्ट सोमवार भी है सावन का, तो वो भी देखना है। लेकिन ये बॉडी एक और ये हेडेक, ये चीज़ें मेरे को सही नहीं लगती है बिल्कुल। क्या बोलूँगा मैं, इधर खुली वाले ने आ गया। बिल्डिंग देखोगे स्विमिंग पूल देख लो गाइस, स्विमिंग भी करनी थी यार, आज बुखार हो गया सुबह उठते सारी, स्विमिंग वाला बिच ही रह गया काम, मुझे उठ जाना चाहिए। पर ये अच्छी लगती है ऐसी सोसाइटी ना, जिसमें स्विमिंग स्विमिंग पूल हो गए, बंदा स्विमिंग स्विमिंग करे, जिम नहीं जा पाया तो बिल्डिंग का ही जिम करे। मुझे ऐसी सी जगह पे आके ना मतलब ये अमेनिटीज़ ऐसी मेरे को अच्छी लगती हैं, समझ रहे हो, तो ये चक्कर है। तो चलो मिलते हैं, हम बताते हैं अगला क्या कार्रवाई है, क्या सिस्टम है। सी यू गाइस। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। नहा लिया हूँ, नहा के जल्दी उठ गया था, 7-8 बजे उठ गया था। एंड आज सोमवार है, सोमवार आज जाना है मंदिर, मंदिर जाके अभिषेक वगैरह करना है। अब देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं यहीं के आसपास वाले मंदिर ही चले जाऊं, क्योंकि जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है, इस्कॉन मंदिर में पार्किंग हुआ, गाड़ियों की पार्किंग वो कर देते हैं बंद, तो इस वजह से गाड़ी लगाने की वहां पूरे जुहू रोड पे वो मंदिर वाली लेन पे कहीं भी जगह नहीं होगी, और एक सेकंड में गाड़ी टो हो जाती है। एंड तो सोच रहा हूँ कि आसपास वाले में चले जाऊँ या घर पे गाड़ी खड़ी करके ऑटो से चले जाऊँ। भाई घर का सीन भी तो ऐसा है ना यार, एसी भी सही नहीं है वहाँ यार, ऊपर से मैं बीमार हूँ यार, क्या करूँ मैं। सो यार कोई नहीं, बस अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। कल तो यार मैं पूरा बीमार हो रखा था, मतलब आज भी थोड़ी तबीयत नासाज है मेरी, लेकिन अब क्या करना, इसे फेस तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखते हैं क्या सीन है। और मुझे लग रहा है मेरा जीवन गाड़ी में ही कट जाएगा भाई, गाड़ी से ही वहां जाओ। भाई सही बताऊं ना, रूम से ज्यादा तो एक गाड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी से ही हम इधर जाते हैं, गाड़ी से ही हम उधर जाते हैं, गाड़ी से ही हम इधर उधर जाते हैं। भाई क्या बताऊं यार, बढ़िया बात है इस लोकेलिटी की, बढ़िया ये सिस्टम है कि बढ़िया बाहर की गाड़ी पार्किंग पुर्किंग बढ़िया आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी कार लगा सकते हो, किसी की भी कोई मतलब कह लो कि वो पार्किंग वो नहीं है कि मेरे को यहीं लगानी है, आप यहीं लगा सकते हो। ये चीजें मेरे को बढ़िया लगी है इस एरिया की। एंड सोया क्योंकि मौसम बदल रहा है ना गाइस, अपना भी आप ख्याल रखें, और बड़ी दिक्कत हो सकती है आपसे आपकी। सो यही है सीन, आज मंडे है, आज तो नहीं दाढ़ी और बाल कटाऊंगा, वेडनेसडे को कटाएंगे, इसको बढ़िया ट्रिम करेंगे एंड बालों को थोड़ा बढ़िया तरीके से सेटिंग करेंगे, थोड़ा मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ। ये देख लो खुली दाढ़ी आ रखी है, एंड थोड़ी सी इसको ट्रिम करेंगे बढ़िया तरीके से। एंड और बताओ गाइस व्हाट्स हैपनिंग, आप भी कितने दिनों से मिस कर रहे हो ना वो मेरा सामने कैमरा रख के और कॉफ़ी पीना, मैं खुद बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं।
और सच में बताऊं, किसी के घर पे रहना, चाहे वो सामने वाला मुझे बिल्कुल प्रॉपर इज्जत दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन मैं किसी के घर पे नहीं रुक सकता है ना इतने दिन। और मुझे खुद में ही ऐसे लगने लग जाता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, है ना। चाहे सामने वाले के दिल में ऐसी थॉट ना भी हो, लेकिन मुझे फीलिंग आनी शुरू हो जाती है वो। लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है मेरी। एसी वाले को फोन करूंगा अभी, क्या सीन करेगा क्या सीन नहीं करेगा। परेशान हूं मैं थोड़ा इन चीजों को लेके यार। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, समझ रहे हो। वो टाइम मैच करना करना पड़ेगा, वो कब एसी वाला आएगा, वो उसके साथ मैं क्या करूं यार। अकेले बंदों का यही जीवन है गाइस, यही जीवन है अकेले बंदों का। क्या बोलूं मैं, क्या करूं, क्या, कुछ नहीं समझ आ रहा। बस सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि आज सोमवार का लास्ट मंडे है और मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, नहा लिया हूँ मैं, एंड बढ़िया तरीके से जाएंगे अभी मंदिर में, आशीर्वाद लेंगे। मैं खुद का पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा गाइस, पता है आपको। क्या बताऊं मैं, दिल में इतनी बेचैनियां चल रही हैं, मैं बता नहीं सकता। सोया तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, एंड फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यार मुझे भी कई बार ऐसे लगता है कि यार जैसे मैं कुछ आपको दिखाया ही नहीं, कुछ करा ही नहीं, सिर्फ बातें करी हैं आप सबसे, है ना। और मुझे खुद के लिए भी कई बार बुरा लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा आप सबके लिए कुछ, है ना। बट मैं क्या करूं, मैं खुद बड़ा उलझा हुआ हूं। मेरे जीवन में दो चीजें ठीक होती हैं तो तीन खराब हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। सो कुछ नहीं होता, देखेंगे जो होगा बढ़िया ही होगा, जैसे होगा बढ़िया ही होगा। सो लेट्स सी क्या सीन बनता है, क्या माहौल बनता है, देखते हैं। एंड फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव का। इस व्लॉग ज़्यादा नहीं लंबा था क्योंकि यार कल पूरा दिन मेरा रेस्ट में चला गया। अब इंसान को होता है ना कि यार चलो आए हैं दोस्तों के पास, फंक्शन कर लें, थोड़ा बातें बातें कर लें, घंटा बातें करी हैं। पूरा दिन मैंने कल सो के निकाला है भाई, पूरा दिन मैंने सो के निकाला है। चलो ठीक है गाइस, आज राखी भी है। सो राखी की आप सबको बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। एंड मेरी भी राखी आ रखी है, वो भी बांधनी है, तो मिलते हैं गाइस। चलो स्लॉक करते हैं यहीं पर, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस। राधे राधे, जय माता दी।